जगदलपुर 157 मामले में पुलिस द्वारा पकड़ी गई महिला नक्सली निर्मलक्का आज केंद्रीय जेल जगदलपुर से हुई रिहा। आपको बता दें सन 2007 में उन्हें उनके पति चंद्रशेखर रेड्डी के साथ पुलिस ने रायपुर में गिरफ्तार किया था। बाद में उनके पति को न्यायालय से रिहाई के आदेश के मुताबिक छोड़ दिया गया था। 12 साल जेल में रहने के बाद सभी मामलों में अलग अलग कोर्ट में सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर उनके खिलाफ जुर्म साबित न होने पर रिहाई के आदेश दिए गए। अंतिम मामले में दंतेवाड़ा कोर्ट ने कल 2 अप्रैल को उन्हें रिहा करने के आदेश दिए, जिसके बाद आज लगभग 11 बजे उन्हें केंद्रीय कारागार से मुक्त किया गया। जगदलपुर से वीरेंद्र नाथ लाइव अभी तक। 2007 को कब से आप यहाँ सेंट्रल जेल जगदलपुर में? हाँ। आपका लास्ट केस कौन से अदालत से डिसाइड हुआ? दंतेवाड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट से। हाँ। मतलब जितने भी मामले हैं उनमें किसी में भी शासन प्रूफ नहीं कर पाया कि आप नक्सल से जुड़ी हुई थी, ये जो एलिगेशन था उसको प्रूफ नहीं कर पाए? हाँ, वो एक एक प्रकरण देख के 2007 से मेरा प्रकरण चल रहा था लंबी समय से, एक एक प्रकरण में 10 साल भी लगा है। जो ये लास्ट प्रकरण जो था मतलब 2007 से लेके अभी तक वो प्रकरण दर्ज करते गए। 2007 में भी कुछ प्रकरण दर्ज किए, 2008 में भी कुछ प्रकरण दर्ज किए और 2014 में भी कुछ प्रकरण, 2015 में भी, ये 2000 आज का जो मामला है 2015 में दर्ज किया वाला अभी तक चला। बहुत लंबा समय जेल में चला गया आपका, एक आपका लाइफ का जो है बहुत बिगेस्ट पार्ट जो है वो जेल में चला गया, तो आप शासन को कानून को कोई आप ऐसा बताना चाहेंगे क्या? मैं अभी कुछ नहीं बताना चाहती हूँ, अभी मैं मेरे परिवार के साथ रहना चाहती हूँ, हमारे मिस्टर के साथ रहना चाहती हूँ। वही आपका होम टाउन कौन सा है? होम टाउन? हाँ, हमारा मतलब मेरा हमारे मिस्टर का दोनों का एक ही डिस्ट्रिक्ट है। मेरा श्रीकालहस्ती है, उनका चित्तूर अलवारपल्ली अयराला ससुराल। मेरा मायका श्रीकालहस्ती।